तो हेलो है दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज हीरो की पैशन प्रो i3s और इसका आप लोग मीटर देख सकते हैं कितनी चली हुई। तो मैं पूरी गाड़ी फुल सर्विस करने वाला हूँ, आप लोग वीडियो बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम इसका खोलेंगे चैन कवर, तो चलो फटाफट से इसका बताता हूँ चैन कवर किस तरीके से खोलना है। तो फाइनली हाफ कवर के जो दो बोल्ट हैं और यहाँ पे चैन कवर के चार बोल्ट हैं, तो चारों को खोल के निकालते हैं बाहर। तो यहाँ से हाफ कवर भी निकल गया और चैन कवर भी हमारा निकल गया। और इसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी चैन कितनी ज़्यादा लूज है। यहाँ पे जितना देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं इतनी ज़्यादा चैन लूज है। तो ये सबको हम करेंगे टाइट और जो हमारी फुल सर्विस होती है वो सब करेंगे। तो इस हूँ सबसे पहले जब हम पीछे का टायर खोलते हैं, तो चलो मैं फटाफट से इसका पहले टायर खोलता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ से जो हमारे टायर के तीन बोल्ट हैं, इनको एक यहाँ पे लगा हुआ, एक हमारा नीचे लगा होता है ये वाला। तो इसको फटाफट से खोल के निकालता हूँ टायर बाहर। तो चलो फटाफट से टायर निकाल लेता हूँ बाहर। तो यहाँ पे हमारा पीछे का पहिया जो खुल गया है, ये रखा है इसका पहिया, इसमें लगाएंगे ग्रीस। ये बैरिंग जो हमारी, ये कॉलर निकाल के इसमें भरेंगे ग्रीस। तो चलो मैं दोनों तरफ फटाफट से ग्रीस भर लेता हूँ। तो फाइनली हमारा जो ग्रीस भर गया, यहाँ पे सारा कुछ क्लीन हो गया, यहाँ पे पॉलिश पेपर वगैरह मैंने मार दिया है। तो यहाँ का जो हमारा पहिया का काम हो गया कम्प्लीट, और इस साइड में भी मैंने बैरिंग में जो ग्रीस लगा दी है, तो फाइनली हमारा पहिया का काम हो गया। इसके बाद ब्रेक्स मैंने घस दिए, आप लोग देख सकते हो, इसको भी क्लीन कर लिया है। तो ये भी हमारा काम कम्प्लीट हो गया। तो अब इसके बाद जो अब मैं बताता हूँ, तो अब मैं जो फाइनली इसकी चैन जो हमारी पूरी है, इसको मैं क्लीन करने वाला हूं। तो पेट्रोल से करूंगा क्लीन ये चैन को, तो चलो फटाफट से क्लीन कर लेता हूं। तो फाइनली जो हमारी चैन क्लीन हो गई, आप लोग देख सकते हो यहां पे जितना डस्ट वगैरह था सारा कुछ निकल गया। तो चैन बिल्कुल हमारी जो क्लीन हो गई, तो हमारा चैन का काम हो गया। इसके बाद अब निकालते हैं इसका इंजन ऑयल। इंजन ऑयल यहाँ पे जो हमारा पुराना इंजन ऑयल, उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे 17 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, इसको फाइनली खोल लेते हैं फटाफट से। तो इसका जो इंजन ऑयल पुराना वो निकलने लगेगा, तो चलो मैं इसको फटाफट से खोल के इसका इंजन ऑयल पूरा निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से जो मेरा बोल्ट खुल गया, पूरा इंजन ऑयल निकल रहा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद चलो इसको निकलने देते हैं। उसके बाद इसका पीछे का जो हमारा पहिया, उसको बांधते हैं और गाड़ी को चैन वगैरह टाइट करके करते हैं पीछे से कंप्लीट, इसका जो पहिया कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से मैं लेता हूँ इसका पहिया और फटाफट से करता हूँ कम्प्लीट फिटिंग। तो चलो मैं फटाफट से कर लेता हूँ इसको फिट। तो फाइनली जो हमारा पहिया जो लग गया, सारे बोल्ट वगैरह टाइट हो गए, हमारा पीछे का काम हो गया। यहाँ पे मैं चैन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ से हमारी चैन भी टाइट हो गई, ये देख सकते हैं आप लोग, ये चैन भी हमारी टाइट हो गई। तो हमारी जो यहाँ का काम हो गया कंप्लीट। तो इसको चैन कवर को लगाएंगे बाद में, उससे पहले इसका खोलते हैं इंजन ऑयल, वो सॉरी इंजन ऑयल का बोल्ट टाइट करते हैं। जो हमने इंजन ऑयल इसका पुराना वाला निकल गया पूरा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसका जो पुराना इंजन ऑयल पूरा निकल गया। तो इसके बाद जो हम लेते हैं इसका बोल्ट, बोल्ट को मैंने कर लिया क्लीन कपड़े से, इसके बाद लगा के बोल्ट को फटाफट से करता हूँ कम्प्लीट टाइट। जो हमारा बोल्ट टाइट हो गया, उसके बाद मैंने चैन में ग्रीस लगा दी, देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो ग्रीस लगा दी है चैन में मैंने पूरी। तो यहाँ से जो अब मैं इसका चैन कवर बांधता हूँ फटाफट से, तो चलो मैं फटाफट से चैन कवर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोल्ट जो टाइट कर दिया इंजन ऑयल का, इसके बाद मैंने ग्रीस लगा दिया चैन में। अब हम चैन कवर लगा के करते हैं कम्प्लीट फिटिंग इसको। तो यहाँ पे जो हमारा चैन कवर लग गया, हाफ कवर लग गया, तो हमारा पूरा जो चैन कवर है वो काम होगा कंप्लीट, चैन का पीछे का पहिया का काम भी होगा। तो यहाँ से अब हम चलते हैं इस साइड में और यहाँ पे खोलते हैं इसका स्पार्क प्लग। तो चलो फटाफट से इसका स्पार्क प्लग खोल लेता हूँ। ये जो हमारा स्पार्क प्लग निकल गया, देख सकते हैं आप लोग, तो इसको फटाफट से करता हूँ क्लीन। तो फाइनली जो हमारा स्पार्क प्लग हो गया क्लीन, आप लोग देख सकते हो। तो चलो मैं इसको फटाफट से करता हूँ टाइट और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा के कर देता हूँ टाइट। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ से मैं फाइनली इसको टाइट करता हूँ। तो फाइनली जो हमारा स्पार्क प्लग हो गया टाइट, तो इसके बाद अब लगा देते हैं इसका जो हमारा पेट्रोल प्लग कैप आता है, उसको लगा लेते हैं। तो हमारा प्लग कैप लग गया। अब इसके बाद खोलते हैं सीट। तो यहाँ से हमने सीट खोल लिया, तो सीट हमारी जो बाहर हो गई, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद जो अब हम खोलेंगे इसका एयर फिल्टर, तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ एयर फिल्टर खोलना किस तरीके से। एक यहाँ पे स्क्रू, एक यहाँ पे स्क्रू, तो दो स्क्रू से हमारा खोलेंगे तो पैनल बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पैनल बाहर हो गया। इसके बाद एयर फिल्टर में जो हमारे पाँच स्क्रू लगे हैं, पाँचों को हम खोल लेते हैं, तो हमारा एयर फिल्टर जो बाहर आ जाएगा। तो चलो फटाफट से इसके जो बोल्ट जो हमारे स्क्रू हैं उनको मैं फटाफट से खोल लेता हूँ। तो एयर फिल्टर के जो मेरे पांचों स्क्रू खुल गए, तो मैं इसका कवर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से कवर निकल गया, इसके बाद निकालता हूँ इसका एयर फिल्टर। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है एयर फिल्टर, तो इसको फटाफट से करते हैं क्लीन, क्योंकि एयर फिल्टर जो हमारा बढ़िया है तो इसको क्लीन करवाते हैं फटाफट से। तो चलो मैं इसको फटाफट से करता हूँ क्लीन।
तो फाइनली हमारा एयर फिल्टर क्लीन हो गया, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद जो हमारा हमारा जो एयर फिल्टर बॉक्स है वो भी क्लीन हो गए, तो सारा कुछ हमारा क्लीन हो गया। तो हमारा एयर फिल्टर, चलो मैं फटाफट से बैठा देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ एयर फिल्टर। एयर फिल्टर के बाद लगाता हूँ इसका जो हमारा ऊपर का कवर है, इसके सारे स्क्रू टाइट करता हूँ। तो फाइनली जो हमारा एयर फिल्टर का काम हो गया कम्प्लीट। अब जो हम जाएंगे क्लच की साइड में, और क्लच की साइड में यहाँ पे साइलेंसर के जो दो बोल्ट हैं 10 नंबर के लगे होते हैं, इनको फाइनली मैं टाइट कर लेता हूँ। तो ये हमारे लूज थे तो इनको मैं कर लेता हूँ टाइट। तो बाकी जो हमने सारे बोल्ट को चेक करना है, जितने भी इंजन में लगे हुए सारे बोल्ट को चेक कर लेना है सर्विस में, तो मैं वो कर लेता हूँ सर्विस में। फुल अभी चेक होंगे हमारे, फुल जो हमारे जितने भी बोल्ट वगैरह हैं सारे कुछ टाइट होंगे। तो यहाँ से मैं अब इंजन ऑयल डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इसमें कास्ट्रोल एक्टिव 900 ml। तो मैं चलो फटाफट से इंजन ऑयल डाल लेता हूँ इसमें। तो फाइनली जो हमारा इंजन ऑयल पड़ गया सारा 900 ml इसमें चला गया। तो मैं यहाँ से डब्बा हटाता हूँ, उसके बाद की हटाता हूँ। की हटाने के बाद यहाँ पे जो हम कपड़े से सफ़ा कर लेंगे पहले, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को भी सफ़ा कर लेना। तो यहाँ से हमारा ये काम होगा, उसके बाद गेज को मैं कर लेता हूँ क्लीन। तो फाइनली जो हमारा गेज हो गया वो भी हो गया क्लीन। इसके बाद गेज को लगाता हूँ मैं, और उसके बाद देखता हूँ हमारा जो इंजन ऑयल फुल हुआ या नहीं। तो चलो मैं इसको दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो हमारा इंजन ऑयल है वो फुल हो गया। तो चलो मैं इसको फटाफट से कर देता हूँ टाइट। तो यहाँ से जो फाइनली हमारा ऑयल गेज हो गया टाइट। इसके बाद जो अब हम करेंगे इसका आगे का पहिया खोलेंगे, और आगे के पहिया खोल के करते हैं कंप्लीट आगे का जो हमारा पहिया है उसको, उसमें ग्रीस वगैरह करते हैं, बैरिंग वगैरह में ग्रीस वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसको कम्प्लीट। तो चलो मैं इसको फटाफट से खोल के कर लेता हूँ कम्प्लीट। तो यहाँ से हमारा हो गया कम्प्लीट आगे का पहिया। उसके बाद जो हम इसकी एक्सीलेटर वायर जो उसको फ्री करेंगे, यहाँ पे जो दो स्क्रू है इसको फटाफट से खोलते हैं, और जो हमारा एक्सीलेटर वायर जो हमारी केबल है वो जाम है तो इसको करते हैं फ्री। तो यहाँ से दो स्क्रू फटाफट से हम खोल लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं इसकी केबल और जो हमारा ग्रिप है उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद क्या करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो फटाफट से इसको पहले खोल लेता हूँ। तो यहाँ से हमारा सेल्फ स्विच खुल गया, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद निकाल लेते हैं इसकी जो गुल्ली हैंडल में लगी होती है, उसके बाद निकालते हैं इसकी ग्रिप, और ग्रिप को और हैंडल को करते हैं क्लीन पहले कपड़े से। तो चलो मैं इसको कर लेता हूँ क्लीन, दोनों को, यहाँ पे ग्रिप को भी कर लेता हूँ क्लीन। तो फाइनली जो हमारा ग्रिप क्लीन हो गया, इसके अंदर जो हैंडल है मैंने इंजन ऑयल डाल दिए, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से हमारी जो अब वायर जो केबल है, केबल में तेल डाल देंगे, उसके बाद यहाँ से जो हमारा फ्री हो जाएगा एक्सीलेटर। तो चलो मैं इसको फटाफट से करता हूँ कम्प्लीट। तो यहाँ से हमारा जो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे इंजन ऑयल मैंने डाल दिया ताकि हमारा जो एक्सीलेटर केबल है वो फ्री रहे। तो यहाँ से हमारी जो अब करते हैं स्क्रू टाइट। तो फाइनली तो फटाफट से मैं स्क्रू को कर लेता हूँ टाइट। तो यहाँ से हमारे स्क्रू हो गए टाइट, आप लोग देख सकते हो हमारा एक्सीलेटर वायर जो एकदम फ्री हो गया यहाँ से। इसके बाद जो हैंडल की गुल्ली आती है वो लगा देते हैं, इसको करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ से हो गया एक्सीलेटर जो हमारा कंप्लीट, एक्सीलेटर केबल भी फ्री हो गई, और मैं क्लच देख लेता हूँ। तो क्लच हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, एकदम बढ़िया, कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें, बाकी ऑयलिंग करना पड़ेगा लीवर में, तो मैं उसको कर लूँगा बाद में। यहाँ से जो हमारी फाइनली जो गाड़ी वो हो गई कम्प्लीट। तो इसके बाद जो अब हम करेंगे इसका जो यहाँ पर ट्रिप जीरो करेंगे, तो मैं एक बार बटन को दबा दूंगा, तो हमारी थोड़ी देर दबा के रखना तो ट्रिप जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे ट्रिप जीरो हो गई आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और इसकी जो हमारी ट्यूनिंग है उसको सेट करता हूँ। जो हमारा ट्यूनिंग है उसको मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ से हमारी बाइक जो चालू हो गई है आप लोग देख सकते हो। इसके बाद अब हम चलते हैं कार्बोरेटर की साइड में, और ट्यूनिंग को करते हैं सेट। तो फाइनली जो हमारी ट्यूनिंग सेट हो गई आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो ट्यूनिंग सेट हो गई प्रॉपर, हमारी गाड़ी वन सेल्फ में चालू हो रही। अब जो हम करेंगे इसको देखते हैं, बाइक जो हमारी गियर में नहीं चालू हो रही, न्यूट्रल में सेल्फ चालू हो रही है, गियर में नहीं चालू हो रही। तो यहाँ से मैं न्यूट्रल करता हूँ, और उसके बाद डालता हूँ इसमें गियर,
और यहाँ पे पड़ी गियर, इसके बाद दबाता हूँ इसका क्लच, और अब मैं दबाता हूँ इसका बटन, दबा के आप लोगों को दिखाता हूँ चालू होती है या नहीं। तो यहाँ से जो मैंने इसकी क्लच दबा दी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो गाड़ी जो हमारी न्यूट्रल है अभी, तो मैं इसको पहले गियर में डाल लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो हमारी बाइक है न्यूट्रल है, इसके बाद यहाँ पे गियर में चली गई, इसके बाद क्लच दबाता हूँ और ये बटन दबा रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारी जो गाड़ी गियर में नहीं चालू हो रही, तो चलो मैं इसको फटाफट से बताता हूँ क्या करना है अब। तो यहाँ पे हमारी स्विच लगी होती है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्लच में ये जो हमारी स्विच लगी हुई ये वाली निकालते हैं फटाफट से, इसको करते हैं चेंज, इसी से हमारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से मैंने स्विच को निकाल लिया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मेरी स्विच जो बाहर आ गई, तो मैं निकाल के आप लोगों को इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये स्विच रही इसकी जो हमारी पुरानी, तो फटाफट से अब डालते हैं नई। तो ये रही हमारी जो नई स्विच, जो हमारी क्लच स्विच नई, ये रही ओरिजिनल है देख सकते हैं आप लोग। तो इसको फटाफट से करते हैं इंस्टॉल। तो चलो मैं फटाफट से इसको लगा के आप लोगों को गियर में चालू करके फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये लग जाती है, तो चलो मैं इसको फटाफट से करता हूँ कंप्लीट। तो यहाँ से जो हमारी स्विच लग गई नई हमारी हो गई कंप्लीट। अब मैं गाड़ी को गियर में डालता हूँ और चालू करता हूँ क्लच दबा के। यहाँ पे गियर में गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद जो मैं क्लच दबाता हूँ और सेल्फ मारता हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया होगा हमारी गियर में गाड़ी चालू हो गई, तो मैं इसको कर लेता हूँ न्यूट्रल। तो यहाँ से हमारी बाइक हो गई न्यूट्रल, इसके बाद ये गाड़ी बंद हो रही, तो मैं हल्का सा रेस और ज़्यादा कर दे रहा हूँ, तो अब हमारी गाड़ी बंद नहीं होगी। तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ चालू करके। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारी जो गाड़ी अब चालू है बंद नहीं हो रही है। तो यहाँ पे लगा देते हैं इसका पैनल और सीट। तो यहाँ पे पैनल लग गया हमारा, सीट लग गया, और हमारी जो बाइक है वो हो गई कंप्लीट फुल सर्विस। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।